My dear students, Assalamu alaikum. Classics subject science topic hai getting to know plants. Isko aaj hum continue karenge. Based on these characters, most plants can be classified into three categories: herbs, shrubs, and trees. An example of each is shown in figure 7.3. Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have any branches. 7.3a. Some plants have the stem branching out near the base. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. Fig 7.3b. Some plants are very tall and have hard and thick prone stem. The stems have branches in the upper parts much above the ground. Such plants are called trees. Fig 7.3c. कहता है बेस्ड ऑन दीज करेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड शोन फिग 7.3 कहता है कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनकी जो बुनियादी अलामतें होती हैं वो उनकी दर्जा बंदी की जाती है तीन तरीकों से हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज इन एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड शोन इन फिगर 7.3 ये जो हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज हैं इनकी मिसाल एक 7.3 में दिखाई गया है देखो बच्चों ये हैं ये जो ए पार्ट इसके नीचे लिखा गया है ये हर्ब्स की है और ये दूसरा जो है बी ये शर्ब्स है और ये जो तीसरा दिखाया गया है ये जो है ये ट्रीज है यानी ये इनकी जो अलामतें हैं हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज ये तीन किस्म के पौधे हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स पौधे जिनके सब्ज़ और टेंडर स्टेम्स होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है यानी ये वाला पौधा जो फिगर नंबर 7.3 ए में आप देख रहे हैं इसके बारे में ये कह रहा है कि इसे क्या कहा जाता है हर्ब्स कहा जाता है दे आर यूजली शार्ट एंड मे नाट हैव मैनी ब्रांचेस दे आर यूजली शार्ट वो अक्सर क्या होता है कि छोटा होता है और उसको ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो नहीं होती हैं जैसा ये देखा गया है तो यहाँ पे जो है ये क्या होता है बहुत ही छोटा है ज़मीन के ऊपर होता है और उसके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं तो दूसरा है सम प्लांट्स हैव द स्टेम्स ब्रांचिंग आउट नियर द बेस द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक सच प्लांट्स आर कॉल्ड शरब्स फिग 7.3b कुछ पौधे जो हैं उनके तने जो हैं हैव द स्टेम ब्रांच आउट नियर द बेस कुछ जो पौधे होते हैं उनकी बुनियाद से उनके तने से क्या निकलती हैं शाखें निकलती हैं तो ये जो तना होता है ये सख्त होता है और ज़्यादा मोटा नहीं होता है सच प्लांट्स आर कॉल्ड शरब्स तो इनको हम क्या कहेंगे शरब्स कहेंगे 7.3b में आप देख सकते हैं ये देखिए आप ये यहाँ से बेस से इसकी जो हैं ये ब्रांचेस निकली हुई हैं इसी को हम शरब्स कहेंगे तो ये जो होता है इसका तना ज़्यादा मोटा नहीं होता है लेकिन ये क्या होता है हार्ड होता है तो ये है सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्रोन स्टेम कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत ही लंबे और सख्त और उनका जो तना होता है ब्रोन किस्म का होता है और मोटा होता है द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट और उसको जो शाखें निकलती हैं ये ऊंचे वाले हिस्से से निकलती हैं यानी ऊपर से निकलती हैं ज़्यादा ज़मीन की सतह से नहीं मच अबाउट द ग्राउंड ज़मीन से ऊपर सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज तो इन पौधों को हम क्या कहते हैं दरख्त कहते हैं जैसे फिग 7.3c में दिखाया गया ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका स्टेम है ये यहाँ थोड़ा ऊंची जगह से यानी ऊपर वाली सतह से इसको क्या निकलती हुई है ब्रांचेस निकली हुई है तो इनको हम क्या कहेंगे ट्रीज़ कहेंगे बेस्ड ऑन द अबव करैक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाइड द प्लांट्स लिस्टेड बाई यू एंड कम्प्लीट कॉलम फॉर एंड टेबल 7.1 तो कहता है ये जो ऊपर नमाया सिफ्त दिखाई गई हैं इन पौधों की क्या आप सही तरीके से इनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं पौधों की जो जिनकी फ्रेश दी गई है और उन कॉलम को मुकम्मल कर सकते हैं आप टेबल 7.1 में प्लांट्स विद वीक स्टेम्स डेट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं और वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते वो ग्राउंड पर क्या हो फैले होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है क्रीपर्स कहा जाता है वेल दोज डेट स्पोर्ट्स ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स फिग 7.4 दीज आर डिफरेंट फ्राम द हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज कहता है जबकि दूसरे जो पौधे होते हैं जो किसी
के सहारे यानी पड़ोसियों के जो स्ट्रक्चर होते हैं के सहारे वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, क्लाइंबर्स कहा जाता है। जैसे फिगर 7.4 में आप ये जो शक्ल है नीचे ये देख सकते हैं आप, ये जो किसी के सहारे जो चढ़ा जाता है उसको क्लाइंबर्स कहा जाता है। दीज आर डिफरेंट फ्राम हरब्स शरब्स एंड ट्रीज, ये हरब्स है शरब्स और दरख्तों से बिल्कुल क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। परहैप्स शायद देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल आर एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, शायद यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपके स्कूल में या आपके घर में जिसे आप देखते हैं देखभाल करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज, तो आप कुछ दो दरख्तों के नाम लिखो, शरब्स हरब्स आर क्रीपर्स, यानी दो दरख्तों के नाम लिखो, शरब्स के भी लिखो हरब्स के भी लिखो या क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर होम हाउस, जो उगते हैं आपके घरों में या आर स्कूल या